वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास बुलेटिन गंगा सवेरा में। आपके साथ हूं मैं दीपा पासल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरु सिंह। यूपी उत्तराखंड से जुड़ी हर बड़ी खबर लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ। यूपी और उत्तराखंड में सियासी हलचल इन दिनों तेज है और ऐसे में यहाँ की हर एक सियासी खबर से आपको रूबरू कर पाएंगे। इसके अलावा आपकी सरोकार से जुड़ी खबरें भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा विजय तिलक के साथ। विजय तिलक, और आगे बढ़ते हैं अनु, सबसे पहले बात करते हैं भाजपा की। दिल्ली में आज भी जारी रहेगा भाजपा का महामंथन। आज फिर होगी यूपी भाजपा कोर ग्रुप की बैठक। जी हां, और भाजपा मुख्यालय पर आज फिर से कोर ग्रुप की बैठक होनी है। बिल्कुल, और दीपा लगातार ये चुनावों के दौरान बैठकों का दौर चल रहा है। आज चुनाव समिति के सामने रखे जाएंगे संभावित प्रत्याशियों के नाम। कल 5 घंटे तक चली थी भाजपा कोर ग्रुप की बैठक। काशी और गोरखपुर क्षेत्र समेत सभी सीटों पर चर्चा इस बैठक में की गई थी और आज एक बार फिर से ये सभी दिग्गज बैठेंगे चुनाव समिति के सामने, संभावित प्रत्याशियों के नाम रखे जाएंगे। कल 5 घंटे तक चली थी और आज देखना होगा कि कितनी लंबी ये बैठक चलती है। और लगातार जहां प्रत्याशियों के नामों का चयन किया जा रहा है, उन पर लंबी चर्चा की जा रही है। जो मौजूदा विधायक है दीपा, उनके परफॉर्मेंस को भी आंका जा रहा है। बिल्कुल, मंथन हो रहा है लगातार। हम देख रहे हैं यूपी के तमाम दिग्गजों के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री और जेपी नड्डा की मौजूदगी में ये महामंथन हो रहा है और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। एक और लिस्ट भी जल्द भाजपा की आ सकती है ऐसा कहा जा रहा है। और दिन भर लगातार बैठकों का दौर चलता ही रहेगा। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले और फेजेस के लिए कब प्रत्याशियों का ऐलान किया जाता है, कौन कौन से उम्मीदवार होंगे जो मैदान में उतारे जाएंगे, क्योंकि अनु दावेदारी लगातार जो तमाम दिग्गज हैं अलग अलग पदों में जो अभी विराजमान हैं, वो अपने चहेतों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए टिकट की पेशकश कर रहे हैं। उनकी भावना को किस तरीके से ध्यान में रखा जाता है, किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, इस पर लगातार नजर होगी। भाजपा ने तैयार किया डिजिटल चुनाव प्रचार का रोड मैप। जी हां, 30 जनवरी से भाजपा के डिजिटल चुनाव अभियान की शुरुआत होगी। 1.5 लाख लोगों तक की रैली करने की रणनीति बनाई गई है। सोशल मीडिया के जरिए भी प्रदेश भर में लोगों को जोड़ने का प्लान है। बिल्कुल, और ये जो एक तरीका है डिजिटली चुनाव प्रचार का, दीपा, इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं माहिर भी मानी जाती है। बिल्कुल, अब ये तो बात भाजपा की हमने की, लेकिन अब बात करते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव सत्ता में वापसी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अब उन्होंने फ्री बिजली वाला दाव खेला है। आज से सपा यूपी में एक अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी का नाम लिखाओ 300 यूनिट बिजली फ्री पाओ अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और आज इस अभियान की शुरुआत भी कर दी जाएगी। और अनु, इस अभियान के मुताबिक जिन्हें 300 यूनिट फ्री बिजली चाहिए वो अपना नाम लिखवाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि जिनके पास वर्तमान में घरेलू कनेक्शन है उनके बिजली बिल पर जो नाम लिख करके आता है वही नाम वो लिखवाएं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिनके पास अभी घरेलू बिजली कनेक्शन नहीं है और जो भविष्य में लेने वाले हैं वो लोग आधार कार्ड और राशन कार्ड में लिखा नाम ही लिखवाएंगे। तो अखिलेश यादव ने कहा है कि लोगों को लगातार बढ़े हुए बिजली के बिल मिले हैं, लोगों को काफी परेशानी हो रही है और ये उनकी तरफ से परेशानी का एक हल है। अब यूपी फतेह करने के लिए अखिलेश यादव ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का नया दाव चल दिया है, ऐलान कर दिया है। लोगों को इसका फायदा मिले इसके लिए समाजवादी पार्टी ने नाम लिखा वो अभियान भी शुरू किया है। लेकिन दीपा, इसमें बड़ा सवाल ये है कि अखिलेश यादव के पास फ्री बिजली देने का कोई प्लान है या फिर ये सिर्फ सत्ता पाने का एक धारदार हथियार है। बिल्कुल, देखिए एक रिपोर्ट। मुफ्त बिजली से सत्ता का बल्ब जलाने का फॉर्मूला, यूनिट फ्री बिजली से मिलेगी लखनऊ की गद्दी। अखिलेश का नाम लिखाओ अभियान, क्या वोट बैंक में आएगी जान?
देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग को जीतने के लिए अखिलेश यादव ने फ्री बिजली का करंट दौड़ा दिया है, क्योंकि जिस फ्री बिजली के सहारे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाई, अब उसी फ्री बिजली को हथियार बनाकर अखिलेश यादव यूपी में जीत का दम भर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने सूबे की जनता से 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। अब इस योजना को घर घर पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी नाम लिखाओ अभियान चलाने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखाएं। जब अखिलेश यादव ये ऐलान कर रहे थे तब उनके दाईं तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य और बाईं तरफ अब्दुल्ला आजम बैठे थे, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि मुफ्त बिजली से समाजवादी पार्टी की सत्ता का बल्ब रोशन होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी 47 से सीधे 400 पर पहुंचना चाहती है। वैसे फ्री बिजली से राजनीति में करंट पैदा करने वाले अखिलेश अकेले नहीं हैं। सीएम योगी भी किसानों को सिंचाई में आधे बिल की सौगात दे चुके हैं। वहीं यूपी में किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी ने पैर जमाने के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली को सहारा बनाया है, बल्कि केजरीवाल तो यहाँ तक कह चुके हैं कि फ्री बिजली कैसे देनी है इसका फॉर्मूला सिर्फ उनके पास है। ये ऊपर वाले ने हमको वरदान दिया है, ये काम केवल केजरीवाल कर सकता और कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता। एक अनुमान के मुताबिक 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए अतिरिक्त 21,286 करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी होगी, जिससे सरकारी खजाने पर बड़ा असर पड़ेगा। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और समाजवादी पार्टी के इस वक्त वो मुखिया हैं, और वो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों से कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट के लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने भेज रहे हैं, तो चुनाव आयोग की अवहेलना भी कर रहे हैं। अंधकार में अपने समय में डुबोकर उत्तर प्रदेश को रखा और उन्हें ये तक नहीं पता है कि बिजली सरकार प्रोवाइड करती है, पार्टी नहीं देती है कोई। ऐसे में मुफ्त बिजली सत्ता पाने का धारदार हथियार हो सकता है, लेकिन सूबे के आर्थिक विकास के लिहाज से जोखिम भरा कदम हो सकता है। लेकिन जब राजनीतिक दलों की आखिरी मंजिल ही जीत हो तो किसे चिंता है। एबीपी गंगा के लिए विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो दीपा, लगता है कि मुफ्त बिजली देना और मुफ्त का सामान देने की, हालांकि इस पैतरे की लगातार आलोचना भी होती है, लेकिन जब जीत सुनिश्चित करनी होती है तो शायद पार्टियों को यही एक तरीका नजर आता है। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं। बात चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि 22 की जंग में वो आजाद होकर लड़ेंगे, मतलब किसी के साथ कोई गठबंधन वो नहीं करने वाले हैं। जितना प्रहार योगी पर करेंगे और उतना ही प्रहार वो अखिलेश यादव पर भी करेंगे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ भी एक बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में चंद्रशेखर अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ेंगे या फिर अकेले लड़कर वो अखिलेश यादव की मदद करेंगे, कैसे इस रिपोर्ट में जानिए। अखिलेश और चंद्रशेखर में नहीं बनी बात, चुनाव में होंगे दो हाथ। हमने तय किया है कि आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते जो उन्होंने आज तक काम किया उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाएगी। 22 की जंग में चंद्रशेखर का आजाद दांव। इन सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये तो मैंने घोषणा भी की है, जिन सीटों पे मुझे चुनाव लड़ना ही लड़ना है तो हम नहीं जीतेंगे। भीम आदमी का जोश हाई, अब खुलकर होगी लड़ाई। अब तो वो अगर 100 सीट देके बुलाएंगे तो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि लड़ाई स्वाभिमान सम्मान। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच अब कोई गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि चंद्रशेखर ने अब अकेले ताल ठोकते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और साफ साफ शब्दों में कह दिया है अब 100 सीटें भी अखिलेश यादव देंगे तो भी गठबंधन नहीं होगा। आज का समय दिया गया था 18 तारीख तक का, जिन नेताजी के पास मैं गया था कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक दे, तो उनके साथ नहीं जा रहे हैं। इस बात की घोषणा मैंने आज कर दी है कि उनके साथ नहीं जा रहे हैं, और अब तो वो अगर 100 सीट देके बुलाएंगे तो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की।
चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए और यहां तक कह दिया कि अखिलेश को दलित वोट तो चाहिए लेकिन दलित नेता नहीं चाहिए। आज जो गठबंधन जो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है वो कितना खोखला है, बिना दलितों की बात आप अच्छी तरह जानते हैं। क्या पिछले 5 साल में आपने देखा जो आज मुख्य विपक्ष है किसी दलित के घर जाते हैं उसकी दुख पीड़ा में? क्या पूरे अब तक के मैनिफेस्टो में दलितों के लिए एक कार्य आपने देखा? जितनी बातें आज तक उन्होंने की सभी उस पर क्या एक नीति दलितों के विकास के लिए बनाई? गौरतलब है कि एक दिन पहले तक चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव को बड़ा भाई बता रहे थे और कह रहे थे अगर अखिलेश कह दे तो एक भी सीट ना मिले तो भी साथ देने के लिए तैयार है। बदले में अखिलेश ने त्याग की बात कहते हुए कहा था अगर भाई बनकर मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने बड़ा भाई कहा है, आप मेरे बड़े भाई भी हैं। वो कहें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि चंद्रशेखर मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको एक सीट नहीं दूंगा। जहां तक चंद्रशेखर का सवाल है, मैंने सीटें दी थी, अगर वो भाई बनकर भी मदद करना चाहते हैं तो करें। समाजवादी पार्टी ने, और केवल समाजवादी पार्टी का प्रयास नहीं था, केवल एक व्यक्ति या एक पार्टी की सवाल नहीं था। अगर पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के साथ काम करना चाहते थे। ऐसे में सवाल बड़ा है आखिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जानकारों की माने तो चंद्रशेखर को समझाने और अपने पाले में लाने को लेकर ओम प्रकाश राजभर लगातार कोशिश कर रहे थे लेकिन बात नहीं बनी और अब चंद्रशेखर ने अकेले ताल ठोकते हुए 33 सीटों पर अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 33 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि ये तो मैंने घोषणा भी की है, जिन सीटों पर मुझे चुनाव लड़ना ही लड़ना, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। मतलब अब चुनावी जंग में चंद्रशेखर आजाद होकर न सिर्फ भाजपा को बल्कि अखिलेश यादव को भी चुनौती देंगे। लेकिन सवाल बड़ा है आखिर आधा दर्जन दलों से हाथ मिला चुकी समाजवादी पार्टी इतनी मुलाकातों के बाद भी चंद्रशेखर की पार्टी से दिल क्यों नहीं मिला पाई? क्या समाजवादी पार्टी को दलित वोट नहीं चाहिए या फिर गठबंधन ना होना एक बड़ी राजनीति का हिस्सा है? क्योंकि जानकारों की माने तो राजनीति में कई ऐसे गठबंधन होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, ये सिर्फ समझे जाते हैं। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जिस दलित वोट की राजनीति कर रहे हैं और उसकी आबादी यूपी में 21% है, लेकिन ये वोट बैंक बसपा का माना जाता है। हालांकि पिछले कुछ चुनावों में इसमें भाजपा ने बड़ी सेंध लगाई है, खास तौर से गैर जाटा वोट में। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद के चुनाव लड़ने से ये वोट बटेगा, जिसका सीधा नुकसान कहीं ना कहीं बसपा और भाजपा को होगा। मतलब आजाद की जीत से सपा को ही फायदा होगा, लेकिन ये सिर्फ कयास है। इसकी असल तस्वीर तो चुनाव के बाद ही पता चलेगी कि आजाद किसका खेल बनाते हैं और किसका बिगाड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो चंद्रशेखर आजाद ने कल मीडिया के सामने आकर के अनु ये तो कह दिया कि अकेले ही चुनावी मैदान में वो उतरने वाले हैं। अब अकेले उतर करके किस किस को वो नुकसान पहुंचाएंगे इस पर इंतजार सभी को। और चुनावों के बाद भी क्या किसी तरह की संभावना रहती है इनके बीच में, ये भी देखना होगा। वहीं अब बात करते हैं यूपी में बढ़ते कोरोना के कहर की और उस पर सीएम योगी के एक्शन। जी हाँ, यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लखनऊ से लेकर नोएडा तक रोज कोरोना के नए मरीज आ रहे हैं और बड़ी संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस अभी भी 1 लाख के पार हैं। हालांकि सीएम योगी की भी कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगातार पूरी नजर है। वो लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं, वहां जाकर के फीडबैक ले रहे हैं। और दीपा, इसी क्रम में आज वे गौतम बुद्ध नगर का दौरा भी करेंगे। गौतम बुद्ध नगर में सीएम योगी कोरोना को लेकर किए गए इंतजामों का निरीक्षण करेंगे। वे जिम्स अस्पताल भी पहुंचेंगे और वहां वे अस्पताल का निरीक्षण करने वाले हैं, देखेंगे कि व्यवस्थाएं आखिर कैसी हैं। और जानकारी ये मिल रही है अनु कि वहां देखने के बाद सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आपको बता दें कि सीएम इसके बाद क्यामपुर गांव भी जाने वाले हैं, यहां वो निगरानी समिति के मेंबर्स से बातचीत करेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे। बिल्कुल, तो आज एक लंबा दौरा ये सीएम योगी आदित्यनाथ का रहेगा, जहां कोरोना के समय में अस्पतालों का निरीक्षण जरूरी है।
और चलिए अब आपको सीएम योगी का मिनट टू मिनट का पूरा प्रोग्राम समझाते हैं। दोपहर 2:50 पर जानकारी ये है कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम योगी, और दोपहर 3:00 जिम्स अस्पताल पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और मिनट टू मिनट का पूरा कार्यक्रम समझा रहे हैं। दोपहर 3 से 3:45 तक अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, और दोपहर जानकारी ये है कि 3:45 के बाद निरीक्षण के बाद वो प्रेस ब्रीफिंग भी करने वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी, और प्रेस ब्रीफिंग के बाद जानकारी ये मिल रही है कि दोपहर 2:45 पर जिम से वे कामपुर गांव भी उसके लिए रवाना भी हो जाएंगे, और दोपहर 3:50 पर से लेकर शाम 4:20 तक वे क्वाम गांव में ही निगरानी समिति के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। शाम 4:20 पर वे क्वाम गांव में हेलीपैड के लिए रवाना हो जाएंगे, और तकरीबन 4:30 वे हेलीकॉप्टर से हिंडन एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। तो ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम है आज सीएम योगी आदित्यनाथ का, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ आज ही सीएम निरीक्षण पर निकल रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी वो कई अस्पतालों का दौरा कर चुके हैं। आपको 5 तस्वीरें अब हम दिखाते हैं जहां जहां अभी तक पहुंचे सीएम, वो तस्वीरें आप देखिए। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर 3 जनवरी की है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ वैक्सीनेशन का निरीक्षण करने के लिए लखनऊ के एक अस्पताल में पहुंचे थे। यहां उन्होंने वैक्सीनेशन के साथ साथ अस्पताल में कोरोना को लेकर क्या तैयारी है इसका निरीक्षण भी किया था। और इसके अलावा सीएम योगी 10 जनवरी को लखनऊ के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर पहुंचे थे, यहां उन्होंने निरीक्षण भी किया था। इसके साथ ही सीएम योगी 15 जनवरी को गोरखपुर में थे, यहां उन्होंने बियादी मेडिकल कॉलेज पहुंच करके इंतजामों को देखा था और फीडबैक लिया था। और इसके अलावा ये चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये 16 जनवरी की है, जब सीएम योगी लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल पहुंचे थे। और वहीं पांचवी तस्वीर आपको 17 जनवरी की दिखा रहे हैं, जब सीएम योगी गाजियाबाद के संतोष अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। तो ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग समय की, और आज भी कुछ ऐसा ही दौरा सीएम योगी का है। अब चलिए, अभी तक कहां कहां गए सीएम योगी और वहां पर जाकर के किस तरीके से हालातों का निरीक्षण किया देखा, इसको लेकर हमने तस्वीरें आपको दिखाई। अब आज उनका जो दौरा रहने वाला है उसको लेकर भी आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। रविंद्र जयंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। रविंद्र, कितने बजे सीएम पहुंचेंगे, ये पूरा जो कार्यक्रम है वो हमने बताया, अब वहां पर किस तरीके से वो निरीक्षण करने वाले हैं, किस तरीके से तैयारियां वहां पर चल रही हैं, और जिस जगह वो जाने वाले हैं, जिस अस्पताल में, वहां पर कोविड की क्या स्थिति इस वक्त है? जी दीपा, मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से जो कोविड एक बार फिर से जो है बढ़ रहा है, जो सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो तकरीबन 3:50 पर जो उनका हेलीपैड है वो गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय पहुँचेगा, उसके बाद जो है जिम्स अस्पताल के लिए फिर वो बाई रोड जो है रवाना होंगे, फिर वहाँ पर जो है जो इन्होंने 250 हॉस्पिटल जो वहाँ पर बनाया गया है कोविड हॉस्पिटल उसका निरीक्षण करेंगे, उसके बाद वहाँ पर प्रेस वार्ता करेंगे, उसके बाद प्रेस वार्ता के बाद जो एक कायमपुर गांव है वहाँ पर फिर रवाना होंगे। और लगातार जिस तरह से जो कोविड के पेशेंट जनपद में एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, आज भी 1200 के करीब कर जो पेशेंट जनपद में मिले हैं, और एक्टिव केसों की जो संख्या है 10,000 से ऊपर है, यानी कि लगातार जो कोविड के पेशेंट हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे सिम्टम जो नॉर्मल लोग हैं उनको घर पर ही आइसोलेट किया गया है, कुछ ही लोग जो है वो अस्पताल में भर्ती हैं। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैक्सीनेशन का भी जो है दौरा करेंगे कि किस तरह से जो है वैक्सीनेट लोगों को किया जा रहा है, क्या तैयारियां हैं, पूरा जायजा लेंगे, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार देखा गया था कि विधानसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में पिछली बार जो है सीएम योगी निरीक्षण करने के लिए अस्पताल पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बिल्कुल, चलिए अब वक्त हो गया है चुनावी खबरों के अलावा, आज बड़ी खबरें क्या कुछ रहने वाली है अनु, मैं वो बता के आती। बिल्कुल, और जिस तरह से बड़ी खबरों से तो हम आपको रूबरू कराएंगे ही, और दीपा हमें लगातार ये बताएंगी कि चुनावी खबरों के बीच हमारी नजर ऑन और किन अहम खबरों पर लगातार रहने वाली है। तो दर्शकों तक अहम खबरें पहुंचाना बेहद जरूरी है ताकि कोई भी खबर आप सभी से छूट ना पाए। ओवर टू यू दीपा। बिल्कुल, चुनावी खबरों के बीच में जो अहम खबरें वो बहुत अहम हो जाती हैं। देखिए, सबसे पहले यूपी में ठंड के कहर के बीच अब भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, वो अलर्ट की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और वो पूरी जानकारी भी देंगे कि किस तरह से लगातार पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी है उसका असर मैदानी इलाकों पर हो रहा है और यूपी में ठंड लगातार बढ़ रही है। दीपा, जरा विस्तार से बताएं आखिर ये खबरें।
बिल्कुल अनु, ठंड की हम बात कर रहे थे। यूपी में ठंड के कहर के बीच में अब बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। ये अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें कहा यह गया है कि आज और कल यूपी के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। और बारिश के साथ ही अब आने वाले दिनों में ठंड के और बढ़ने के पूरे आसार हैं। साथ ही साथ घना कोहरा भी लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और अपने स्तर पर ही ठंड से बचने के लिए इंतजाम करने के लिए कहा गया है यूपी वासियों को। और अब बात करते हैं यूपी में कोरोना के कहर की। कोरोना की रफ्तार यूपी में थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी खतरा कम नहीं हुआ है। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,803 नए केस सामने आए हैं। और अच्छी बात यह है इन केसों के बीच में कि इन्हीं 24 घंटों में ठीक होने वालों की संख्या कोरोना के नए मरीजों से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,191 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना को इतने लोगों ने मात दी है, घर वापस लौटे हैं। और लखनऊ में बीते 24 घंटे में 2,173 केस सामने आए हैं। अब राजधानी लखनऊ में स्थिति लगातार बिल्कुल दीपा यूपी में केस आए हैं वो थोड़े से कम है, ये राहत वाली खबर है, लेकिन फिर भी सावधानी हम सभी को बरतनी होगी। बिल्कुल सही दीपा, यूपी में इन दिनों ठंड का कहर भी जारी है और अब शीतलहर के साथ आज कई इलाकों में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि आगे आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ेगी। आज और कल के लिए बारिश का अलर्ट जारी है। इसके साथ ही कोरोना के मामले भी यूपी में बढ़ते जा रहे हैं। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद में केस लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब सभी लोगों को कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है और थोड़ी सी लापरवाही भी किसी के लिए भी बड़ी मुसीबत भी बन सकती है। बिल्कुल, और एबीपी गंगा भी लगातार अपने दर्शकों से ये अपील करता है, ये गुजारिश करता है अनु, कि आप भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, अपनों की सुरक्षा का ख्याल रखें। आपकी थोड़ी सी चूक एक बहुत बड़ी लापरवाही हो सकती है। लखनऊ में हुई अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात। मुलाकात के बाद मीडिया से बोले शिवपाल, सपा और प्रसपा में कोई मतभेद नहीं है, दोनों मिलकर लड़ेंगे चुनाव। बुलंदशहर में भाजपा प्रत्याशी मीनाक्षी सिंह पर मुकदमा दर्ज। मीनाक्षी सिंह की सभा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। 300 और लोगों पर FIR हुई। सभा में कोरोना गाइडलाइन का किया गया उल्लंघन। अमरोहा में भाजपा प्रत्याशी राम सिंह सैनी पर दर्ज हुई FIR। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने का मामला दर्ज हुआ। प्रत्याशी के स्वागत में उमड़ी थी भीड़। मुरादाबाद की बिलारी सीट से भाजपा के प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी का हुआ विरोध। भाजपा का कार्यकर्ता पानी की टंकी पर चढ़ा, प्रत्याशी बदलने की मांग की।